नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल क्रिकेट मूड में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं कुणाल। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2023 में आज के आठवें मुकाबले के बारे में दोस्तों, जिसको राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में खेला जाएगा। दोस्तों ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों इस मुकाबले की प्लेइंग 11 कैसी होगी ये तो सिक्का उछलने के बाद ही पता चलेगा। आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों का दूसरा मुकाबला होगा। इससे पहले ये दोनों टीमें अपना अपना पहला मैच जीत चुकी हैं, यानी आज जो हारा उसके इस सीजन में पहली हार होगी। राजस्थान ने सनराइजर हैदराबाद को हराया था दोस्तों, और वहीं पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को शिकस्त दी थी। आईपीएल के इतिहास में ये दोनों के बीच 25वीं टकरार होगी। इससे पहले दोस्तों ये 24 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें 14 जीत के साथ राजस्थान का पलड़ा भारी रहा है और गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम हाई स्कोरिंग मैच के लिए फेमस रहा है। यहां की पिच को बल्लेबाजों का स्वर्ग कहा जाता है। इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मैच होने की बड़ी वजह इसका छोटा होना भी है दोस्तों। बारासपारा की सामने की बाउंड्री 65 मीटर और स्क्वायर बाउंड्री 68 मीटर से 70 मीटर की है। दोस्तों इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद नहीं है और गुवाहाटी के बारासपारा पर पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसत स्कोर 180 रन का है। वहीं लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। दोस्तों आईपीएल 2023 में पहली बार भिड़ रही राजस्थान और पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतर सकती है। आइए एक नजर उस पर डालते हैं। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 रहेंगे जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पड्डीकल, संजू सैमसन एज अ कैप्टन, सिमरोन हेटमायर, रियान पराग, जसन होल्डर, रविचंद्र अश्विन, केएल आसिफ, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और नवदीप सैनी। तो दोस्तों वहीं पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 रहेंगे शिखर धवन एज अ कैप्टन, प्रभसिमरन सिंह, भानुका राजपक्षे, सिकंदर रजा, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, सैम करन, नाथन एलिस, हरप्रीत ब्रार, राहुल चहल, अर्शदीप सिंह और ऋषि धवन। तो दोस्तों आज की प्लेइंग 11 टीम ये रही। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट मूड को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।